एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ शिवांगा। तो मैं आज आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ वो है एक बेहतरीन पैक जो आपके ओपन पोर्स को भी ठीक करेगा, आपके जो डार्क सर्कल हैं उसको भी ठीक करेगा, पैच स्किन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, और सनबर्न की वजह से, यूवी किरणों की वजह से आपकी स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो उसको भी खूबसूरत बनाएगा। तो जो पैक है वो है एक अंगूर का फेस पैक है, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेप्स भी कहते हैं। लेकिन अगर आप उसको फॉलो, अगर कोई भी चीज़ अगर ढंग से फॉलो करते हैं, कोई जो ट्रिक बताती हूँ मैं, अगर आप फॉलो करते हैं तभी उसका असर पड़ता है। अगर आप एक दिन लगा लिए तो एक दिन में तो ग्लो आ नहीं जाएगा आपके। तो इस वजह से आपको उसका सही से उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है कि किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, किस तरीके से आपको अप्लाई करके बता रही हूँ कि किस तरह से आपको अपने चेहरे पर लगाना है। तो आपको अच्छे से उसको अप्लाई करना है। और सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है। आप चाहते हैं हर तरह के फेस पैक लगा लेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक आप अपने खान पीन पे ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, डिटॉक्स वाटर बनाया करें। डिटॉक्स वाटर के लिए भी मैं आपको आगे एक वीडियो बनाऊँगी, वो मैं बताऊँगी आपको। डिटॉक्स वाटर पियोगे आप तो क्या होगा, और डिटॉक्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे आपकी स्किन काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। अब आप चाहें तो एक दिन में तो हो नहीं सकती, उसके लिए भी आपको बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाइए, और हफ्ते में एक बार कोई भी फ्रूट खाना है, और वो भी खट्टा होना चाहिए। खट्टा जैसे संतरे हैं, अंगूर हैं, ऐसी चीज़ें खाएं जिससे विटामिन सी भरपूर मात्रा में, जो आपकी स्किन को काफ़ी खूबसूरत बनाएगी। तो आप इसका ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जितनी ज़्यादा आप पानी पिएंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो आप इसका ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा तो आप अपनी पूरी डाइट पे ध्यान रखिए। अगर डाइट पे ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो भी मैं आपको फेस पैक बता रही हूँ उससे थोड़ी ना खूबसूरती अंदर से आती है, आप चाहेंगे बाहर से तो नहीं आती है। तो अपना खान पीन पर ध्यान दें, रोटेशन पर ध्यान दें, और आप एक्सरसाइज करें, योगा वगैरह, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मेडिटेशन वगैरह करें जो आपके मन को भी शांत रखेगा। और आजकल हर दुनिया में हर किसी के पास टेंशन होती है। आप सोचें कि अब हमारे पास टेंशन है बस, इस वजह से हम कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास, सबको किसी ना किसी तरह से टेंशन होती है। तो आप अपनी टेंशन को अपने पास रखें आराम से, सुकून से, और मज़े में रहें, ज़्यादा हंसें, बोलें, मुस्कुराएँ, और कॉमेडी शो देखें। ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, कॉमेडी शो देखेंगे तो वैसे ही आपका स्माइली फेस रहेगा, तो वैसे ही आपके चेहरा ग्लो करेगा। तो मैं आपको आप फेस पैक बताने जा रही हूँ, वो है अंगूर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें लेने हैं कुछ अंगूर, और चाहिए हमको गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी, और ये एलोवेरा जेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कद्दूकस। तो कद्दूकस करेंगे हम अंगूर को, इस तरीके से हम कद्दूकस करेंगे धीरे धीरे। कद्दूकस करने के बाद हमको इसका रस चाहिए। इस तरीके से हम अंगूर को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से आपको सारे अंगूर को कद्दूकस करना है, काफ़ी मतलब एक जूस निकल रहा है इसका। इस तरीके से खाएंगे और इसके छिलके अलग फेंकते जाएंगे। इसका पल्प ही चाहिए हमको, इसके छिलके का हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने इसका जूस निकाल लिया है। तो ये निकाल लिया मैंने अंगूर का जूस। तो अब हमको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, तो हम एक चम्मच लेंगे मुल्तानी मिट्टी। एक चम्मच हमने डाली इसमें मुल्तानी मिट्टी, एक चम्मच ही, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें गुलाब जल। गुलाब जल डाल दिया, और डालेंगे हम एलोवेरा। तो एलोवेरा ले सकते हो आप, आधा चम्मच ही मैंने एलोवेरा लिया है। और चाहिए हमको ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, आप किसी में भी, अगर आप डायरेक्टली लगाना चाहें तो आप डायरेक्टली भी इसको, अगर किसी ऑयल में, नाइट क्रीम में आप मिक्स करके लगाएंगे इसको, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगी आपके। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैं इसको दिखाऊंगी आपको लगा के कि आपको इसको लगा के कैसे लगाना है। तो इस तरीके से देखिए एक पेस्ट सा बन गया है इसका। ये फेस पैक लगाना शुरू करते हैं, तब सबसे पहले आपको वही सेम कंडीशन करनी है कि अपने बालों को करना है सिक्योर। इस तरीके से अपने बालों को सिक्योर करेंगे और फिर लगाएंगे फेस पैक।
तो मेरे बाल काफ़ी सिल्की हैं, रुकते नहीं हैं। तो आपको ये फेस पैक लेना है, अपने फिंगर से अच्छे से पूरे अपने चेहरे पे लगाना है, सिल्की साफ लगाएंगे। और अपने चेहरे पे अच्छे से पूरे लगा के कोई भी फेस पैक लगाया करें तो अपनी गर्दन को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपके चेहरे की स्किन कुछ और होगी कलर और आपकी गर्दन का कलर कुछ और होगा। तो हमेशा कोई भी फेस पैक लगाएं तो गर्दन में आप ज़रूर लगाएं इस तरीके से। अब आपको ये पैक सूखने देना है, तब तक आपको इस तरीके से अपने चेहरे को लगा लेना। जब आपका पैक सूख जाए उसके बाद मैं दिखाती हूँ, कम से कम मिनिमम आपको 10 दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद देन आप कम से कम 5 या 10 मिनट नॉर्मली जब सूख जाए तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो इसमें आपको सूखने के बाद दिखाती हूँ अपना चेहरा। देखिए मेरा चेहरा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, तो मैं इसको वॉश करती हूँ आपके सामने। और याद रखा करें कोई भी फेस पैक डायरेक्टली वॉश नहीं करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, इस तरीके से पानी लेना है और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसको एक तरह से मसाज करनी। कोई भी पैक हो आप याद रखा करें डायरेक्टली वॉश नहीं किया करें, तो आपको इस तरीके से अपने चेहरे पर मसाज करनी है। और संतरे के रस को आप अपने डार्क सर्कल पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना मसाज कर लिया, अब मेरे हैंकी से इसको साफ कर दूँगा। तो मैं हमेशा कॉटन का ही हैंकी यूज़ करती हूँ वॉश करने के लिए, पोंछने के लिए। तो आप ज़्यादातर याद रखा करें कि आप हैंकी जो है इस तरीके से, देखिए आप देख रहे हैं खुद ही मेरे चेहरे पर कितना ग्लो आ रहा है। तो हमेशा याद रखा करें कोई भी पैक बताऊँ मैं, इस तरीके से आपको साफ करना है। फिर मैं पूरा वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए डियर, मैंने अपना चेहरा वॉश कर लिया और देखिए कितना ग्लो आ रहा है मेरे चेहरे पे। तो मैं आपके सामने खुद ही दिखा रही हूँ, देखिए कितना ग्लो है चेहरे पे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।